ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे, ब्रह्मा जी क्या मांगो, बस आपने दर्शन दे दिए ये मेरे लिए काफी है। ये माना कि दाता तू है सारे जहां का, ये माना कि दाता तू है सारे जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे, वो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं, उसी को निभाने के काबिल नहीं, Yeah.
सर को झुका लूं तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं तेरी मोहिनी मूरत दिल में बसा लूं तेरी मोहिनी मूरत दिल में बसा लूं मेरे इस दिल में और कोई ना हो मेरी धर्म की बहन चली गई हुआ तो हुआ कैसे वो कैसे मर गई मतलब महाराज उठा तो दिया था बच्चा उसने वो बोलते हैं उसको हार्ट अटैक पड़ गया और बेचारी भारी थी नीचे जो गिरी तो प्राण निकल कंस ने बड़ा दुख मनाया पूतना मुलाब काम कौन करेगा ये तो इसके बाद श्रीमद भागवत में कथा आती है महाराज सुखदेव स्वामी जी कहने लगे यशोदा प्रमुखा वजिस्त्रह औथानी सात अतुत दर्शना कुलह कथम स्वयं वै शक्तम विपर्यगात हैं कि इसके बाद शक्तासुर नामक दैत्य को भेजा कंस ने जिस दिन यशोदा के घर में अन्नप्राशन का संस्कार चला हुआ है अन्नप्राशन का संस्कार 3 महीने के बाद होता है मतलब खीर बनाई जाती है और वो खीर बच्चे को खिलाई जाती है इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं खीर खाना अन्न प्राशन जिस दिन महोत्सव रखा हुआ था उसी दिन देखो ये असुर सकता असुर पहुंच गया और यशोदा मैया ने देखा भीड़ ज्यादा है पलने को बाहर निकाला तो पलने का ध्यान नहीं दिया जहां रखा उसके ठीक ऊपर बैलगाड़ी का छकड़ा था और बैलगाड़ी के छकड़े में दूध दही की मटकियां थी एक मटका में ये असुर भी बैठ गया और मटके में बैठ करके असुर सोचने लगा इस लाल कैसे समाप्त करूं लेकिन भगवान अंतर्यामी है भैया भगवान सबके मन की बात समझ लेते हैं सुन लेते हैं बोला अच्छा तू मुझे मारने आया है मैंने आज तक तेरा कोई बिगाड़ा नहीं है मेरा तेरा कोई बैर ही नहीं है ना देश ना बैर ना मित्र ना कोई बात नहीं आया है मुझे मारने मैं तुझे मार देता हूं भगवान ने रोते रोते अपने पैर से एक ठोकर छकड़े को लगाई छकड़ा महाराज आकाश में उड़ता हुआ नीचे पलटता है जितने मटके थे सब टूटे और मटके में ये शक्तासुर दैत्य बैठा था चकना चूर हो गया ये परीक्षित इस प्रकार से शक्तासुर दैत्य का भी राम नाम सप्त हो अब इसके बाद कथा आती है शंकर भगवान जी की चिता भस्मा लेपा पागंभरो धारिणा इसके बाद गोकुल गांव में भगवान शंकर दर्शन पाने के लिए आए थे शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर रूप धरा है पागंबर पहना है नाग को गले में डाला है और जैसे कोई भिक्षा मांगने के लिए साधु आता है वैसे शंकर भगवान जी भी गोकुल गांव में आ गए धन्य यशोदा मैया जिनसे भिक्षा मांगने को साक्षात महादेव आ रहे हैं जब शंकर भगवान जी पहुंचे
यशोदा के आंगन में तो नाद बजाना शुरू कर दिया, नाद बजाना शुरू कर दिया तो यशोदा ने बाहर देखा खिड़की से कोई महात्मा आया है। यशोदा का मन बड़ा प्रसन्न था और यशोदा मैया ने हीरे मोतियों का थाल भरा और लाल के ऊपर से घुमाया, जितने ग्रह हैं मेरे लाल के वो सब चले जाएं बाबा को घुमा फिरा करके द्वार पर आ गई नंद रानी। बोला बाबा जी लीजिए, शंकर भगवान ने पहले ही माता को प्रणाम किया है। अहो यशोदा मैया सोचो, पर पिता परमेश्वर परम पिता भगवान उनका दूध पीवे हैं, उनके सुलाने पर सो रहे हैं, उनके जगाने पर जग जाते हैं। हे माता तुम परम सौभाग्यशाली हो, ऐसा कौन सा पुण्य किया है तुमने जिनको देखने के लिए मैं भी तरसता हूं, उनको आपने अपना पुत्र बनाया है। प्रणाम किया थाली को देख करके बोला माता कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए आपके लिए लाई हूं। बोला नहीं चाहिए। बोला तो फिर आए क्यों हो जब चाहिए कुछ नहीं। बड़े प्रेम से शंकर भगवान कहने लगे भैया मुझे पता है। क्या कहा था शंकर भगवान ने सबने, ये भजन गाना है बड़ा अच्छा भजन है। तेरे द्वार ते अलक जगाई ओ मैला दिए नंद रानिए भलिए भलिए ओ दर्श कराया शाम दा मुड़ चलिए। शरीर पर भस्म लगाई है, कमर पहना है, तुम्हें अपना भी नहीं है।
मेरा लाल आपको देख करके एकदम से डर जाएगा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा तो होगा नहीं। इसलिए ऐसा करो जो मैं दे रही हूँ ना दीक्षा, ठीक है मोदी, वो ले लो और चले जाओ। शंकर भगवान कहने लगे, भैया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कहा शंकर भगवान ने? सभी बोला है, ओ कली सुन ले ये सोधा देर आंगन में बैठ गए, चिंता करने लगे। कहते थोड़ी देर बैठे थे वहां, शिव का मंदिर आज भी बना हुआ है, आशीश्वर महादेव के नाम से वो मंदिर भी है। फिर कहा, मैया तो ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा तो दर्शन तो कराएगी ना, पर जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे तेरा लाल भी तड़प रहा है, वो मेरा मित्र है। बोला, महाराज यही तो आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है, तू तो बुढ़ा होया 60 साल का, 10 महरम होया कतलान का, मैनु लगता है बड़ा तू सौदाई वो जंगलां विच रहन वाले। अगी बातें बिल्कुल बच्चों जैसी है, महाराज जाइए आप, मैं दर्शन नहीं करा सकती। शंकर भगवान उदास होकर के चलने लगे। इतने में से नंद रानी के महलों से आवाज आई, बड़े जोर की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा आदमी बात करता है। क्या कहा था बाल कृष्ण भगवान ने? देखो छोटे से अभी पलने में है, लेकिन पलने में से कितने जोर से आवाज निकाली और क्या कहा? दूता बाबे अमूढ़ के नाना, दूता बाबे अमूढ़ के प्रेम से बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भैया जैसे ही शिव जाने लगे, लाला रोवे, यशोदा अंदर भागी, तब जाके यशोदा ने दर्शन कराए, शिव अंदर आए, जिसे पलने में देखा भगवान चुप, एक दूसरे को निहार रहे, आंखों में बातें हुई। भगवान शिव ने मोर पंख प्रदान किया, माता तेरे लाल को किसी की नजर नहीं लगेगी। बोला, तेरा लाला इस अवतार में तो बड़ा ही सुंदर है, जो देखे बस नजर ना हटे, हर कोई तेरे लाल को देखता ही रह जाएगा, इसलिए सदा इसके सर पर मोर मुकुट बांधना। इसलिए भगवान कृष्ण सदा मोर मुकुट बांधते हैं।
एक बधाई स्वरूप छोटी सी बांस की मुरलिया भी शंकर भगवान ने मिली। माता जब बड़ा होगा ना इसको बजाएगा और ऐसी बांसुरी बजाएगा। तीनों लोक बांसुरी की ध्वनि को सुन करके मोहित हुआ जाया करेंगे। जड़ चेतन जो भी सृष्टि में है वो सब बांसुरी को सुनना चाहे, इस बांसुरी को संभाल करके रखना। कहते हैं इतना कहकर के शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। इसके बाद जब भगवान लगभग 6 महीने के हुए तो कंस ने दैत्य नाम रात्रिणावृत कंस भृत्य प्रणेदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासिनम अर्वकम त्रिणावृत नामक दैत्य को भेजा था जो हवा का बबूला बनकर के आवे मैया यशोदा नंद नंदन को आंगन में घुमा रही थी उठाया था। भगवान को पता है कि चक्रवात आएगा इसलिए भगवान ने अपना बोझ बढ़ाया। यशोदा मैया भगवान को उठाने में असमर्थ लगी। यशोदा मैया देखे ये हो क्या रहा है, मेरे लाल का वजन इतना भारी क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान की महिमा भगवान ही जानता। यशोदा ने भगवान को आंगन में रख दिया। बुलाने के लिए अंदर भागी, इतने में हवा का बबूल लाया तो वो भगवान बालकृष्ण को आकाश में ले गया। लेकिन उस बबूले को क्या पता है कि किस जादूगर से पाला है। भगवान ने लिया, कंठ दबाया, कंठ से गोंग गोंग की आवाज निकली, कंठ दबने लगा, तृणाव्रत मरने लगा। ये परीक्षित इस प्रकार जब भगवान 6 महीने के थे तृणाव्रत नामक कास के एक और असुर का राम नाम सत्तम काकासुर दैत्य कंस का पुरोहित श्रीधर इनको भगवान ने ज्ञान दिया। महारानी काकासुर काक बिसुंडी के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए चला गया और जो कंस का पुरोहित था वो तीर्थ यात्रा को चला गया। उसको भी कुछ दिनों के लिए हवा लग गई थी, अधरंग हो गया था। जब वो भगवान को मारने का प्रयास करने लगे तो उन्होंने भी कंस का कार्य छोड़ा, कंस को छोड़ा और अच्छा कार्य करने के लिए चल पड़े। तम अंतरिक्षात पततम शिलायाम कंठ दबने लगा है, कंठ दबा नीचे गिरा शिला पर चकनाचूर हुआ था। भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं ये परीक्षित। एक बार भगवान जी जब भाई लेते हैं, जब माता यशोदा बड़ा प्यार कर रहे थे भगवान को, जमाई आई भगवान के मुख में आकाश सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र दीप पर्वत नदियां वन और समस्त चराचर प्राणी दिखाई दिया। हाँ देखो मैया यशोदा ने एकदम से मुंह बंद किया। जिनके मुख में विश्व बसता है उनके मुख को यशोदा मैया ने इस प्रकार से बंद कर दिया। आए दाम ये क्या दिख रहा है ये परीक्षित। इसके बाद भगवान के नाम कर्ण संस्कार के लिए लाती है। जब भगवान का नाम गर्ग पुरोहित ने रखा था, गर्गाचार्य जी वसुदेव के कुल पुरोहित थे। गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी ने भेजा था गर्गाचार्य जी को कि महाराज मेरा एक पुत्र है, अभी
तेरा नाम नहीं रखा है, और आप जाइए गोकुल में और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करके आइए। कंस की चोरी, कंस से चोरी करके इन किन प्रकार इन गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे। चुपके से गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी नंदना, पहले तो रोहिणी पुत्र, अब देखो ये देवकी का भी पुत्र है, रोहिणी का भी पुत्र है। पहले तो देवकी के ही घर में थे, योग माया ने पहुंचाया रोहिणी के घर में, तो नाम रखा बोला बलराम। अतुलनीय बाल इस बालक में, ये सबको आकर्षित भी करेगा। संकर्षण विद्या से पैदा हुआ है इसका नाम, नंद बाबा जी संकर्षण भी होगा। यशोदा मैया नंद बाबा दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य जी हैं, महाज्ञानी हैं, हमने उनसे प्रार्थना की थी कि वो हमारे बालक का नाम रखने, लेकिन उन्होंने इनकार किया। बोला जब तक बड़े का नाम नहीं रखा जाएगा तो छोटे का नाम नहीं रख सकते। और आज जब हम बोले कि हमने कार्यक्रम रखा है, तो उन्होंने कहा कि गर्गाचार्य जी ही आपके बेटे का नाम रखें तो शुभ रहेगा, और हम उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते महाराज, इसलिए हमारी प्रार्थना कि आप हमारे छोरे का नाम भी रख दो, इसको भी नाम दे दो। वास्तविक पुरोहित तो गर्गाचार्य ही है भगवान के भी, क्योंकि देव की याद में करता है। गर्गाचार्य कहने लगे जैसा महामुनि शांडिल्य जी ने आदेश किया है उन्हीं के आदेश से मैं नाम रखता हूं। बोला हर युग में इस बालक ने अलग अलग रंग लिया है, इस बार कृष्ण रंग लिया है, इसलिए आपके बालक का प्रमुख नाम श्री कृष्ण होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आपके इस पुत्र का जन्म लगता है पहले मेरे यजमान वसुदेव के घर में भी हुआ है। बोला महाराज वो कैसे हो सकता? बोला हाँ, छह पुत्रों को मारा तो है कंस ने। हाँ ये हो सकता। बोला इसीलिए इसका मैं दूसरा नाम वासुदेव भी रखूंगा। बोला तुम्हारा पुत्र जगत को मोहित करने वाला होगा, इसलिए इसका तीसरा नाम मोहन। इसके असंख्य नाम होंगे। नंद बाबा जी निश्चित ही किसी देवता का अवतार लग रहा है, ये आपके कुल को चार चांद लगा देगा, आपका कुल अजर अमर हो जाएगा, आपका नाम अजर अमर हो जाएगा। मांगलिक स्वस्ति वाचन के द्वारा दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया, भोजन किया। नंद बाबा यशोदा ने खूब दान दक्षिणा करी, गर्गाचार्य जी दोनों को आशीर्वाद देकर के वापिस मथुरा आ गए। दोनों को नाम मिल गए, और क्या चाहिए? यशोदा ने क्या नाम रखा? बोला मैं तो अपने कृष्ण का नाम छोटा नाम बोलूंगी। बोला क्या? नंद बाबा से कहने लगी मैं तो इसको कन्नू बोलूंगी। बोला कन्नू को नाम हो, थोड़े दिन के लिए कन्नू चलेगा ना, जब बड़ा होगा तब तो कृष्ण ही कहूंगे। बोला बड़े वाले को? बोला इसको दाऊ। दाऊ हाँ बड़ा जो है तो बल दाऊ बोल दिया करूंगी, सम्मान करूंगी तो बल दाऊ। अथ ब्रज ताल पीन राम केशव गोकुलम। अब महाराज धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। एक दिन भगवान यशोदा माता के सामने नाचने लगे, और यशोदा मैया आई, हैरान हो गई अपने लाल के नृत्य को देख करके। नंद बाबा को बुलाया, बोला आपने सिखाया इसको नाचना? अरे नंदरानी अभी छोटा सा है, इसको किसने सिखाया? मुझे कहां लगा समय? बोले ये कैसे नाच रहा है? एक बड़ा सुंदर भजन है, यशोदा मैया कहने की कान्हा कन्नू बड़ा सुंदर नाचता है,
लेकिन थोड़ा ना ठुमका लगाया, ये बड़ा सुंदर भजन है भैया। जैसे मीरा रानी हुई ना, उसी तरह से बरसाने की एक कवित्री हुई है चंद्र सखी, उसने ये भजन लिखा है। सभी ने इस भजन को गाना है, भगवान नाच रहे हैं, ऐसा सोचिए आपके सामने नाच रहे हैं, यशोदा मैया के सामने नाच रहे हैं। नाचे नंद लाली न चावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल न चावे हरि की मैया। भजन है ठीक है, ढोलक वाला कहां भाग गया है? ओ नाचे नंद लाल न चावे हरि की मैया, 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 न चावे हरि की Thank you.
ततस्तु भगवान कृष्णो वरियसि व्रजवारकै सह रामो व्रज स्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मोदम्। आगे भगवान जी की भैया बाल लीलाएं आती हैं। अथकालीन ब्रजताल बीन राम की शुभ। जब भगवान चलने लग गए, बड़े हो गए, तो भगवान बचपन में बड़े ही चंचल थे। कुछ ना कुछ हर घर में करते रहते थे। गोपियां एक बार सब इकट्ठी हुई, नंद बाबा के घर आई और कहने लगी, अरे यशोदा, हमारा कन्हैया बड़ा नटखट हो गया। ना वो तो लगता है मुझे भी बड़ा नटखट है, हाथ ही नहीं आता। बोला, हाथ आने की बात हो तब तो, बोला तो क्या करता है। बोला हमारे घर में आता है और खूब लूट पाट मचावे, माखन हम चाहे जहां मर्जी छिपा करके रख ले, लाला को पता लग जावे इस माट में मक्खन है, इस माट में दही है, इसमें लस्सी है, जिस माट में मक्खन है वहां लाला पहुंच ही जावे। खावे जी भर के खाए, हम काबू इनकार करते हैं। अपने मित्रों को भी खिलावे, हम इनकार नहीं करते। बोला बानरों को खिलाता है, चलो बानरों को कभी पेट भर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बचता है उसको भी बर्बाद कर देता, सब फेंक देता है। और जब हम डांटना, हाँ दैया दैया राम राम, डांट तो हम सकते ही नहीं, वो तो हमारा प्राण प्यारा है यशोदा। जब हम पूछते हैं तो वो उल्टा हमारे घर का मालिक बन जाता है, बोलते तुम कौन हो, जाओ यहां से, ये मेरा घर है, और धमकी देता है। यशोदा जोर जोर से हंसने लगी। बोला अच्छा, बोला हाँ मैया बड़ी डिटाई करता है, कहीं बिगड़ ना जावे हम तो इसलिए बोले, बड़ा होके कहीं ऐसा जो ब्यास ना रहे, प्यारा है हमें, उसको ना देखे तुम्हारा काम नहीं बनता। अबे हुआ क्या था, देखो शिकायत लगाने के लिए सारी क्यों आई, क्योंकि उस दिन सबको कृष्ण भगवान दिखे नहीं थे, बहाना लेना था, चल शिकायत के बहाने घर में बैठ भी लेंगे दो घड़ी और कृष्ण को देख भी लेंगे। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखो भाव में जाओ, गोपियां जब से भगवान को देखती थी ना, रोज देखती तभी काम में मन लगता था, आज ना देखे तो पहुंच गए शिकायत के बहाने यशोदा के, नहीं तो यशोदा बनना था, सुबह सुबह क्या काम है, क्यों आई हो, यशोदा ने नहीं बिठाना था। बोला ऐसा सा किया, बोला अंदर बोलो अंदर, अंदर बैठा, बोला है कहां वो डटगट है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना,
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों को आजो ताना है बहाना, ये बहाना है, मन नहीं लग रहा। एकदा गिणमास्ते रामाध्या गोपदारक, एक बार भगवान ने माटी खा ली, बड़ा गोला खाया, भगवान के जो साथी जाके यशोदा मैया के पास गए, बोला मैया लाला माखन खाए, माखन खावे माखन के साथ साथ माटी भी खावे, बोला है माटी खाई, यशोदा निकली बाहर, कितनी माटी खाई बता रहे, भगवान ही सारे बोला मुंह में कुछ डाला है, बोला तो मुंह खोल, यशोदा ने बलदाऊ से पूछा, बोला दाऊ बोलो माटी खाई है लाला ने, मैया खाई है, बोला मुंह खोल, कान से पकड़ लिया, देखो जिनसे काल भी डरता है, जिनसे काल भी डरता है उनके कान को मैया यशोदा ने पकड़ा, दबाया थोड़ा सा, बोला मुंह खोल, मधु मंगल था ब्राह्मण का बेटा था, मधु मंगल से माता यशोदा ने पूछा, बोला खाई इसने माटी, मैया बड़ा पेड़ा खाया है, बोला पेड़ा, बोला हाँ बड़ा ढेला खाया है, चोटी की सो, मैं चोटी की कसम कभी झूठी नहीं खाता, चोटी पकड़ ली मधुमंगल ने, फिर तो यशोदा मैया को विश्वास हो गया मधुमंगल झूठ नहीं बोल सकता, बोला मुंह दिखा, बोला दिखाना क्या है, अब तो मिट्टी पेट में धर गई, जो खाई है वो पेट तक चली गई होगी, मुंह में क्या है, बोला अब भी तो कुछ ना कुछ भाग मिट्टी का होगा मुंह में, और मुंह खुलवाया, भगवान ने एकदम से फिर बंद किया और बलदाव के पास आ गए, बोला दाव तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा मिट्टी खा, ऐसा नहीं खाई तो है, बोला ठीक है मैं भी मैया को बोल दूंगा तूने भांग का घोड़ा खाया है, दाव डर गए, अगर ऐसा बोलेगा तो मार पहले मुझे पड़ेगी, भांग का घोड़ा खाया है, दाव कहने लगा मैया मैया माटी खाई है मैंने देखा नहीं है, ऐसे शोर कर रहे थे बोला माटी खाई है, तो यशोदा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, बोला अच्छा फिर भी मुंह खोल, भगवान ने मुंह खोला, खोली दिखायो मातु को, खोली दिखायो मातु को, मोहन मुख तत्काल मुख में लगी तीनों लोक को, यशोदा हुई बेहाल, भगवान ने मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद देखो पूरा ब्रह्मांड तीनों लोक दिखे, पृथ्वी लोक दिखा, गोकुल दिखा, यशोदा मैया का घर भी दिखा, और यशोदा को दरवाजा भी दिखा, यशोदा ने कान पकड़ा है और मुंह खुलवाया है भगवान का, यशोदा डर गई है ये क्या ये क्या, और यशोदा को लगा कि हो जिस दिन नाम रखा था तो गर्गाचार्य जी ने बोला था तेरा बेटा नारायण है, तो ये नारायण है, कान पकड़ लिए, बोला आज के बाद कभी कान से नहीं पकड़ोगे, और भगवान को लगा वो गड़बड़ हो गई, अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मां जैसा प्यार नहीं मिलेगा, मैया ने तो पकड़ लिए कान, मुझे मां क्षमा हे प्रभु क्षमा कर दो, भगवान को लगा बोला अगर मैं भगवान बन गया तो घाटा है,
भगवान बन करके घाटा है क्यों? भगवान बनेंगे तो एक अलमारी में रख देते हैं, सुबह शाम दो दो अगरबत्ती का धुआं देते हैं, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से बादाम, मिश्री मक्खन रख दिया इतना सा। मैं तो खूब खाता हूं मैया के हाथों से। और अगर कहीं धाम आ गई तो बोलते हैं प्रभु आज पूरे परिवार को धाम है, तो आपके लिए चूल्हा कैसे लगाना, एक दूध का गिलास रख देते हैं, बोलते हैं प्रभु आज की रात दूध के गिलास से काम चला लो, कल रोटी बनेगी। हम चले धाम खाने, मटर पनीर खाने, बोलो राधे राधे। तो भगवान को लगा, बोला मुझे भी अलमारी में रख देगी, मंदिर में बिठा देगी, सुबह शाम धूप का धुआं देगी। भगवान ने योग माया को देखा, बोला ये क्या कर दिया, बुलाओ बुलाओ। योग माया ने प्रभाव डाला और यशोदा सारा कुछ भूल गई। यशोदा बोलने लगी मुंह खोल, बोला अब कुछ नहीं दिखा। बोला मैया तुझे पता नहीं क्या सपना आया था और बोल रही है ये दिखा वो दिखा, मेरे मुंह में क्या है ले देख। बोला लाला तू सच्चा है मैं झूठा, छाती से लगा लिया, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आगे कथा बड़ी सुंदर आती है। एकदा गृहदासीषु यशोदनंद गेहिनी कर्मांत निर्मंथने निर्मंथ स्वयं दधि। भाई परीक्षित सुन करके बड़े आनंद में भर के बोला महाराज धन्य यशोदा और नंद बाबा के भाग्य जिन्होंने भगवान जी की बाल लीलाओं का आनंद लिया। बालक को पालने का बड़ा मजा आता है, छोटा सा होता है उसकी जो क्रीड़ा होती है, तो तलानी बाली होती है, बड़ी मनभावन होती है। यहां तो भगवान है, मैं कल भी बताया था मैंने बटुए जैसा हूं, छोटे छोटे दांत, चार हाथ पेट छोटा सा, और चंद्रमा भी लज्जा जाता है, इतना सुंदर सा मुख है, मुखमंडल मर पूरे लोगों की सुंदरता है। भगवान की आंखों में सूरज चंद्रमा है, दाहिनी आंख में सूर्य, बाई आंख में चंद्रमा, और सूर्य चंद्र जिनकी आंख में वो कितने सुंदर होंगे, कितने तेज होगा उनके बीच में। एकदा गृहदासीषु यशोदनंद गेह कर्मांत नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि प्रभु चरितानि च दधि निर्मंथने काले समरन्ति नित्यं। बड़ी सुंदर लीला है ये भगवान की। यशोदा मैया के पास कई नौकरानियां थी भाई, ये इसी महीने की बात है। देखो इसी महीने में आप कथा सुनो, ये दामोदर मास है ना, कौन सा मास है, कार्तिक मास आपने करना खर्च करना है? हाँ चलो अगला चल पड़ा, पर भाई छोटा छोटा ही है, कुछ भी है जो भी आप बोलना चाहते हैं है ना, पर भाई इसके नजदीक में ये कथा आ रही है। देखो दिवाली का दिन था, ठीक है, यशोदा मैया जल्दी से उठी और जल्दी से उठ करके यशोदा मैया ने काम बांट दिए नौकरानियों को, ये काम करो वो काम करो,
और स्वयं जल्दी उठ करके दही मंथन करने लगी लाला के लिए माखन जो निकालना था। देखो यशोदा मैया ने लाला के लिए अपने आप को सदा खड़ा रखा, प्रस्तुत रखा। आजकल पता क्या करती हूँ, थोड़ा सा कष्ट आया रख ली कोई नौकरानी और उसकी गोद में दे देती है बच्चे को लेपाल। नौकरानी भी कहते हैं वो क्या होता है, पाउडर वाला दूध आता है गर्म पानी में घोलती है बोतल में डालती ले। कुछ स्थितियों में मानव शरीर में कोई रुग्णता आ गई तो माना जा सकता है, लेकिन ऐसे ही अपने बच्चे को किसी के पास सौंपना। अब भैया वो बच्चा जब बड़ा होगा दूध नहीं पिलाया है अपना तो वह उसे मां नहीं बोलेगा, मां किसको बोलेगा, बोतल को। बोतल ने दूध पिलाया ना तो उस बोतल को मां बोलेगा, आगे बोतल का ढंग बदल जाएगा, पहले बोतल से दूध पीता था फिर बोतल से क्या पीवेगा बोलो। ये था गल्ला, तो वही बोतल से फिर शराब पीवेगा उसी को मां जो मानेगा। बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मां को निकालना चाहिए। एक मां अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर के कवि बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, वैज्ञानिक बना सकती है, राष्ट्रपति तक बना सकती है। प्रथम गुरु बालक की मां ही होती है। इस मां शब्द का शब्द कोश काम नहीं होता। मैंने एक दिन संकीर्तन में गाया था कितनी अच्छी है कितनी प्यारी है भोली है वो मां उमा। मां की महिमा परंपरा है भैया। भगवान के कान अगर किसी ने खींचने की हिम्मत की तो मैया ही थी, और भला भगवान के कान पकड़े। बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़े देव भी भगवान का कान पकड़ के दिखा दे, कर सकता है कोई? यशोदा ने तो दबाया। ओ मां, माता का प्रेम है। तो यशोदा ने सब नौकरानियों को काम पर लगा दिया। कहते हैं यशोदा का घर को छोटा घर थोड़ी था, 85 चौका घर था। 86 चौके का मतलब है एक चौक में 10,000 गायें बांध सकते हैं। लगा लो आप हिसाब, 85 चौक थे यशोदा के घर के, एक चौक में 10,000 गायें आ सकती हैं। कितना बड़ा घर था। अब इतने घर को साफ ही करना हो कितना समय लगेगा, यशोदा कर सकती है साफ? साफ सफाई के लिए भी कम से कम 2,000 नौकरानियां तो होंगी। अब इतनी नौकरानियां हैं तो रोटी बनाने के लिए 500 नौकरानियां और होंगी, उन सबको अलग अलग काम बांटे हैं। घर के संहिता में बढ़ रहे 85 चौका यशोदा मैया का घर जहां भगवान रहते हैं। काम बांटे और स्वयं देखो दधी मंथन में लगे और अपने लाल को याद कर रही है। मेरा लाल जब उठता है तो दूध पीता है, कितना सुंदर नाचता है, गाना भी गाती है। यशोदा का मन हर समय प्रसन्नता में भरा रहता है। पहले माताएं बहने जल्दी उठ करके दही मंथन करती है, आजकल तो अब बच्चे भी आ जाते थे, हम भी जल्दी जल्दी उठते थे गिलास लेके उठते थे, ताजा ताजा माखन निकलेगा थोड़ा सा खा लो। आज इतना भी होता था मैया कुछ ना कुछ दे देती थी। आजकल बटन वाला सिस्टम है भैया, बटन लगता है फिर बोलते हैं नहीं मुझे डिस्क लग गया। पंडित जी कोई ग्रह देखो, पता नहीं कैसा ग्रह लग गया, डिस्क प्रॉब्लम आ गई, बीपी आ गया, शुगर आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया। जब करना ही कुछ नहीं, कपड़े धोने तो टिक, माखन निकालना तो टिक,
प्रेस करनी तो टिक सोना तो टिक टीवी लगाना तो टिक टिक का वाला काम जब से चला तब से जो है वो कई बीमारियां भी लग गई। पहले देखो हमारी माताओं बहनों को कोई बीमारी नहीं, अच्छी सेहत होती थी, बीमार बड़ा कम पड़ती थी, हॉस्पिटलों में भीड़ कम होती थी। अब मैं जाता हूं ना कई बार हॉस्पिटल देखता हूं तो ज्यादा भीड़ बस यही है लेडीज वर्ग, डॉक्टर जैसे मैं दर्द है आंखों में दर्द है, क्या करे बेचारा डॉक्टर, डॉक्टर एक सौ मरीज वो भी बस ऐसे ऐसे ये इंजेक्शन लगवा दो वो लगवा दो ढिंगा, उनकी दुकान चले, जल्दी उठा करो प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बारे में मैंने बताया था, अच्छा ज्ञान दिया था, प्राणायाम करो, कुछ इस शरीर से श्रम करो, सुबह सुबह जल्दी उठो क्योंकि सुबह सुबह अमृत वेला होती है, भगवान शिव अमृत बरसाते हैं धरती पर तभी तो उसे अमृत वर्षा बोलते हैं, अमृत वेला। कुछ अमृत भगवान शिव ने रखा था वो चंद्रमा को दिया था, इसीलिए भगवान शिव ने चंद्रमा को भाल पर धारण किया। भगवान शिव सुबह सुबह सूर्योदय से पहले भी पूरी धरती पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और चंद्रमा से अमृत की वर्षा करवाते हैं। जो उठा है बाहर, उठना उठने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बिस्तर पर ऐसे, बिस्तर का त्याग करके बाहर निकलना है और बाहर निकल करके हवा में भ्रमण करना है, तभी अमृत पहुंचेगा, कमरे के अंदर अमृत थोड़ी पहुंचेगा। सैर करो, देखो कैसे नहीं पहले बड़ा समय आ जाता। तो भगवान को याद कर रही थी जसोदा, गाने गा रही थी, और भगवान को कोई याद करे ना तो भगवान को आना पड़ता सुबह सुबह। इधर मैया कर रही है गाने गा रही है मेरा मदन गोपाल, और भगवान उठ करके आ गए, उठ करके आवे। अब मैया ने काजल लगाया था ना, वो आंखों को मला सारा काजल कालों पर लगा है, कहा मैया मुझे माखन दे, बोला नहीं है मैया माखन दे, बोला अभी निकला नहीं है, तो अनिक खड़ा तो हो ना, कुल्ला किया ना मुंह धोया दे माखन, लेकिन उस रूप में भी भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। और इधर हमको अच्छा बनने के लिए पर्स में कहीं रखी नहीं पाए, कहीं ने रखी होती पाउडर क्रीम, आजकल तो पर्स में रखते हैं, बस में चले तब भी लग, भैया भगवान तो जो काजल आंखों से गाल पर लग गया फिर भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुधा भैया बोल रही है बेटा काम करने दे, मुझे माखन निकालने दे, जब निकलेगा तो दे दूंगी। भगवान बाहर निकले, बोला ठीक है मैं रुक लेता हूँ। बाहर की तरफ देखा तो चंद्रमा दिखाई दी है, जल्दी उठ गए थे। चंद्रमा जो दिखाई दे मैया को पकड़ा, बोला मैया मैया चल, बोला कहाँ चल, चल मैया को ले आया, बोला इसको ये चाहिए। ओ अब मैया चंद्रमा कैसे थे बोलो, चंद्रमा ही मांग लिया, मक्खन का हट छोड़ा तो अब चंद्रमा। और भैया चार हट संसार में सबसे बड़े, बाल हट राज हट जोग हट और तिरिया हट, है ना बड़े। इन सब में भी बालक का हट सबसे ही ज्यादा बड़ा है, बालक के मन में अगर हट आ जाए तो पूरा करके छोड़े। जसोदा मैया कहने लगी लाला ये चंद्रमा है, ये कैसे तुम, बोले मुझे चंद्रमा ही चाहिए। अरे लाला मुझे काम क्यों निकालने देता, तो सुबह सुबह क्यों उठ गया,
कल घाट बोला नहीं मुझे तो चंद्रमा चाहिए, चांद को पकड़ने का हट कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। चंद्र की लौना रे मेरी मैया, चंद्र की लौना रे, चंद्र की लौना ले मेरी मैया, चंद्र की लौना ले। बोला चंद्रमा ही चाहिए, अगर ये चंद्रमा नहीं दिया तो देखो क्या धमकी भी दे रहे हैं भगवान। सुरभि के पान न कर ही। बोला सुरभि गाय का जो तू दूध पिलाती है ना, मैं वो दूध नहीं पीऊंगा, ये देख लेना। नाबीनी पर भूल न रही, और जो तू मेरा जूड़ा सजाती है ना, मेरे बालों को संवारती है, बालों को भी नहीं गुदवाऊंगा, कोई फूल नहीं लगवाऊंगा। बोला लाला तो रहने देना, वैसे भी तू काला कलूटा है ना, तुझे अच्छा बनाने के लिए मैं तेरे बालों को रोज संवारती हूँ। जब भूख लगेगी तू कैसे नहीं पिएगा, तू पिएगा पिएगा। अब माता जो थी वो कहती थी बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बढ़ेगी। भगवान क्या करते थे, दूध पीते थे और दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लेते थे, बढ़ी या नहीं। कब ही बढ़ेगी चोटी मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी, खेती बारी दूध पिए अब ही रह गई छोटी मैया, अभी भी रह गई छोटी मेरी, कब बढ़ेगी छोटी मैया। बोला नहीं नहीं जो तू दूध पिला दे उसे छोटी बोटी कुछ नहीं बढ़ती, देखो उतनी है, मैं नहीं पीऊंगा। चंद्रमा दे, चंद्रमा दे। बोला नहीं देती। अब मैया दे भी तो दे कैसे, चंद्रमा को कोई मांग ले कोई पकड़ के ला सकता है। बोलो दे सकते हैं आप चंद्रमा, नहीं दे सकते ना। मैया तो इसी कारण से पीछा छुड़ा रहे थे। बोला कैसे दे दूं, नहीं दूंगी। लेकिन भगवान धमकी पर धमकी दे रहे हैं। जप हो लोट अब ही ना अहियो, मैं तेरी गोद में ना बहियो। बोला मैं तेरी गोद में आज के बाद नहीं बैठूंगा, मिट्टी पे लेट जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तेरी गोद में, या मुझे चंद्रमा दे। बोला नहीं देती जा। एक और धमकी दी, भयो पूत नंद बाबा को, भयो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत ना कहूं। बोला मैं पंचायत इकट्ठी कर दूंगा। देखो धमकी, केवल 3.5 साल के हैं और प्रभु की चंचलता देखो, चपलता देखो। बोला मैं पूरी पंचायत इकट्ठी करूंगा और सबको बोलूंगा मैं नंद बाबा का ही छोरा हूं, तेरा छोरा, मैया से मेरी कुट्टी है, दे चंदन। बोला लाला बड़ा तंग कर रहा है तू आज, हाय दैया, पहले तो सो भी लेता था, आज ही उठना था तूने जल्दी। हर भगवान क्या करते हैं, रूठ जाते हैं, मैया से रूठ जाते हैं, दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। बालक हट बुरा, हट करते तो टालने पड़ते हैं ना। मैया ने भी अपना वो सारा काम धंधा छोड़ा, माखन दूध सब छोड़ा और आया लल्ला के नजदीक आई और लल्ला को पकड़ा। बोला बेटा तेरी तुतलानी जो बाणी है ना, तुतलानी भाषा है, इसको कहीं मेरी नजर ना लग जावे, इतना मीठा मत बोला कर। गोद बैठाई कहत नंद रानी, ध्यान से सुनो भाई, आनंद है कथा का, ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची कथा। सोचो भगवान ने इसी समय ये गिल्ली लगी है। गोद बैठाई कहत नंद रानी, बलद बहना सुनरी, अति कोमल चंदा से सुंदर, अति कोमल चंदा से सुंदर, तो को नहीं दुल्हनिया लाओ, तो को नहीं दुल्हनिया लाओ। मेरा कन्हैया
मुला छोड़ चंद्रमा को, मैं तुझे माखन से भी और चंद्रमा से भी कोमल दुल्हनिया लाऊंगी। वो दुल्हनिया चाहिए, दुल्हनिया का नाम सुन रहे भगवान भूल गए, चंद्रमा भी माखन भी। बोले हाँ दुल्हनिया चाहिए भैया, दुल्हनिया लाओ। अब भैया दुल्हनिया कहां से लाए, मुझे दुल्हनिया चाहिए। बोला बेटा दुल्हनिया तो बड़ी होती, मुझे छोटी चाहिए। बोला कितनी छोटी? बोला जब मैं गाय चारने के लिए जाया करूं ना तो मेरी जेब में आ जाया करे, जब गैया लावे जावे तो जेब में लेके जाऊं घूमू। मैया समझ गई भाई, अंदर गई एक छोटी सी डॉल गुड़िया लेके आई, बोला देख तेरी दुल्हनिया। गुड़िया को पकड़ा, हाँ बोला हाँ। अब भगवान बैठ के गुड़िया को पकड़ लिया। प्रेम से बोल रहा थे महाराज से सुखदेव स्वामी जी, परीक्षित को कथा सुनाते हैं, भगवान उस गुड़िया से खेल रहे हैं। थोड़ी देर खेला, फिर मैया ने दो तीन कथाएं सुनाई, दो तीन कहानियां सुनाई और फिर से सो गए। यशोदा ने लंबी सांस ली, चलो सो गए, थोड़ी देर के लिए सोए। लेकिन कहते हैं यशोदा फिर से जब मक्खन दही पिलोने लगी तो फिर से थोड़ी देर के बाद बच्चा बार बार उठ जाता है, वो आवाज आई मंदाने की फिर उठे। अब वो गुड़िया गाड़िया तो रख ली सिरहाने, उठ के आए और फिर पल्लू पकड़ा, बोला माखन माखन। मैया ने पकड़ा, स्तनपान कराने लगी, स्तनपान जैसे उठते थे ना स्तनपान कराती थी अपना दूध पिलाए। 9 साल की आयु तक भगवान ने माँ का मैया यशोदा का दूध पिया है, दूध पिलाने लगी आनंद मनाने लगी। हे परीक्षित, इतने में एक सेविका आई और नंदरानी से कहा कि अंदर जो पद्म गंधा गाय है उस पद्म गंधा गाय का दूध उबलने जा रहा है। पद्म गंधा का गाय अति श्रेष्ठ होता है, बड़ा कम दूध देती है वो। हमारे भी कुछ गाय ऐसे हैं जो दूध को बड़ी कम देती है ना, बोलते हैं नहीं रखेंगे दूध ही नहीं होता। लेकिन उस दूध में शक्ति इतनी होती है जितनी शक्ति 100 गायों के दूध में होती है। बोलो राधे राधे, वो इतना दिव्य दूध होता है। बोला वो दूध उबल रहा है। मैया ने लिया कान्हा को, बोला तनिक इधर खड़ा रहा, मैं दूध को उतार के आती हूँ। अंदर गई, दूध उतारा, इतने में कन्हैया को भी गुस्सा आ गया, बोला अच्छा पूत प्यारा नहीं है दूध प्यारा है। अच्छा गुस्सा आ गया, पूत प्यारा नहीं दूध प्यारा, कोई बात नहीं। भगवान ने एक डंडा लिया और जो बड़ा मटका था ना वो मटके को लकड़ी से मारा और वो मटका गया टूट। सोचा था मटके से आवाज ही आएगी टूटेगा नहीं, लेकिन ये तो गया टूट। ओ भगवान तो गड़बड़ हो गई, इन्हें तोड़ना नहीं चाहते थे केवल आवाज करना चाहते थे। अब टूट गया तो गुस्सा तो मैया को आ ही गया। भगवान जो है वो बाहर निकले, सारा दूध दही बिखरा पड़ा, माखन उठाया और दूसरे के आंगन में खड़े होकर के, वहां उखल था ना दूसरे वाला, दूसरे चौराहे की तरफ आंगन था, वहां खड़े हुए, वहां उखल के ऊपर बैठे और माखन को बानरों को खिलाने लगे। पिछले अवतार में इन बानरों ने, हे परीक्षित, भगवान की बड़ी सेवा की। उस समय तो भगवान श्री राम इनको कुछ नहीं खिला सकते थे, अब भगवान जो है जो कुछ भी होता है इन बानरों को खिला देते हैं। बानर भगवान के हाथों से खा रहे हैं, लेकिन भगवान की आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कि मैया आएगी, पता नहीं आज क्या दंड मिलेगा। और मैया ने देखा सारा दूध दही बिखरा पड़ा है, मैया ने चांदी की छड़ी ली, गुस्सा भी आया,
क्रोध में भर करके मैया बाल कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी। भगवान हाथ ना दे, भगवान भी थक गए, मैया भी थक गई, तो मैया बैठ गए। भगवान भी मैया को देख के बैठ गए, पहले दौड़े रहे, बोला मैया थक गई, बोला हारे का नैया थक गई, बोला तू मेरी गोद में तो क्यों गोद में आना, बोला मैया तेरी छड़ी से डरना गया, वचन दे छड़ी को नीचे रख दे, मुझे मारेगी नहीं तो आ जाओ। मैया ने छड़ी रख दी, बोला ठीक है, हाथ तो लग गया नहीं तो तेरे हाथ में नहीं आ रहा, काम इतना सारा रुका पड़ा, कसम भी खा रहे, हाँ लाला मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी। भगवान डरते डरते धीरे धीरे मैया की गोद में, मैया ने सजा तो देनी थी कि बिगड़ ना जाए मेरा बेटा, और क्या किया मैया ने, जो उक्कल था उसी उक्कल के साथ कन्हैया को बांधने लगी। एक दा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिने कर्मांत निकता सो स्वयं निर्मंतम दधि। मेरी माताएं बहने, बड़ा पुराना भजन है ये, इसको गाती भी है, यशोदे दोर बथेरा यशोदे दोर बथेरा यशोदे दोर बथेरा Yeah.
माता मानन लागे।